कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सबसे बड़े माफिया हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कौन डकैत हो सकता है जो लोकतंत्र में बैलेट को लूट रहे हों, उनसे बड़ा कौन है लुटेरा। कि आज वोट लूटने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सबसे बड़ी लोकतंत्र को लूटने वाली, लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये ग्रो है। माइनॉरिटी के जितने भी अधिकार थे उनको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक करने के लिए उन्हें फैसला लेना चाहिए, एमएसपी और आय दोगुनी कैसे होगी उसके बारे में बताना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई महत्वपूर्ण, और गठबंधन होगा, जहाँ मुरादाबाद है वही मुरादाबाद रहेगा। सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है, जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। गाजीपुर से मुझे जानकारी मिली और आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि एक पत्रकार साथी के साथ, अरे मुरादाबाद वाले आप लोग क्यों सवाल पूछते हुए, एक बार तो हमारे साथ भी हंगामा किया था आपने, FIR तक बात पहुंच गई थी। तो अब उनसे दोस्त कोई बात हुई होगी तो उसको संभाला जाएगा और पत्रकार का पूरा सम्मान किया जाएगा। अरे ये तो पुरानी बात है, ये तो हम लोग हमेशा ही करते हैं। सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह होगी। अभी आपको जब प्रेस करेंगे दोनों पार्टी के नेता तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओ, इसका इन्हें पता है। सत्रह तक पहुंचने में क्या नहीं हुआ होगा। अभी आपको मैं, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है इस समय, लेकिन मैं कहूंगा कि शेयर करें आपसे। अभी प्रधानमंत्री जी किसी के कार्यक्रम में आए थे आपके पड़ोस में, उनका पुराना वीडियो देख लो। उस पुराने वीडियो में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सबसे बड़े माफिया है, ये कहा कि नहीं कहा? और अगर आप आर्काइव में जाएंगे तो किसी चैनल पर उन्होंने कहा था, अब मैं क्या बात मानूं? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कौन डकैत हो सकता है? आपने देखा सीसीटीवी में कैसे वोट के साथ लूट हो गई? जो लोकतंत्र में बैलेट को लूट रहे हों, उनसे बड़ा कौन है लुटेरा? हमने, आपने सबने देखा। इसलिए जनता इस बार इनको सबक सिखाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और ये बात गांव गरीब तक पहुंच गई, जो बातचीत कोर्ट में हुई वो हिंदी में हुई, हिंदी में बात की गई पूरी जमीन तक जाती है, पूरा देश जान गया है कि आज वोट लूटने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे, यूसुफ अंसारी साहब हमारे खड़े हैं, इतना वोट तो जीतने वाले कम लोग पाए होंगे, ये जीत करके हार गए, याद है आपको? और आप ही के किसी पत्रकार साथी ने अखबार में लिखा, जो मैंने लखनऊ में पढ़ा, कि एक अधिकारी ने मोहम्मद आजम खान साहब को फंसा दिया, वो हेडलाइन थी और उसी को एक्सटेंशन दिया गया और एक अधिकारी से वोट लुटवाया गया। इसलिए सबसे बड़ी लोकतंत्र को लूटने वाली, लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये ग्रो है, ऑर्गेनाइज्ड, जो कुछ भी लूट सकता है, वोट भी लूट सकता है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष ही इधर सभी लोगों से मिलने हैं जिनकी इच्छा है समाजवादी पार्टियों को वोट देने की, और ये समय ऐसा होता है राज्यसभा का, बहुत से लोग वोट देना चाहते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि जो दो बार दल बदल ले उस पर भरोसा न करें, अब तीन बार कोई दल बदल ले, चार बार दल बदल ले तो आप उस पर विचार करिए। अब क्योंकि सीटें तय हो गई हैं तो कैंडिडेट भी बहुत जल्दी तैयार हो जाए, अगर आपकी कोई राय हो तो हमें भी दे दो, क्योंकि आपको भी तो वोट देना है, इसलिए हमारी मदद करिएगा। 5 बजे के बाद फिर पूछ लेना उनसे आप। कुछ रेडियो होते हैं वो बजते हैं, ये उन्हीं से पूछ के आओ, हमें तो पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मदरसों के साथ और जो बोर्ड और जो उनको काम करने के अधिकार थे, क्या ये सरकार नहीं छीन रही? केवल मदरसों के नहीं, माइनॉरिटी के जितने भी अधिकार थे उनको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कोई इन पे कैसे भरोसा करेगा? मुझे याद है नेताजी के समय पर माइनॉरिटी आगे बढ़े, पढ़ाई में उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले, एक्ट जब बना था यूनिवर्सिटी बनाने का, तो नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, समाजवादियों का योगदान रहा, जिसके कारण आपके जिले में भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, आपके बगल के जिले में माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो माइनॉरिटी को विशेष अगर अवसर या सहयोग देने का काम अगर होता, वो संविधान हमारा कहता है, या जो पीडीए की बात चली है तो पीडीए के अधिकारों को कौन छीन रहा है? जो हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 बोलते थे,
कभी आपने सवाल नहीं पूछा उनसे कि भाई 46 से 56 क्यों बता रहे हैं आप? आपको बताना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर पीडीए के कितने हैं, नहीं बताएंगे वो। अगर वो वाइस चांसलर उनके अपॉइंट नहीं हुए पीडीए के, तो जो वो अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं वाइस चांसलर, उसमें पीडीए कहाँ होगा? पिछड़े, दलित और हमारे अल्पसंख्यक भाई। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रेस के साथियों का। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।